रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तो मुख्य सा इस प्रोजेक्ट का तौर करवा दें तो ताकि हम जो है वो आगे चल सके सेमिनार। शुक्रिया अमीर साहब। साइम एंड योर प्रोजेक्ट, साइम का जो प्रोजेक्ट है केवल सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया एंड एक्सप्रेशन। कैमरा सही नहीं जा रहा था ये, अब देखो मेरे से यही करना चाहिए। थोड़ा सा पीछे से। ठीक सर। साइम प्रोजेक्ट जो है सिविल सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया एंड एक्सप्रेशन, ये ईयू की फंडेड प्रोजेक्ट है। इस का जो दौरानिया है वो 2.5 साल है और इसमें 3 पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं। इसमें एक CPDI है, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उनके साथ मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी है MMFD, और साथ में तीसरा जो पार्टनर है वो पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन है PPF। इस प्रोजेक्ट के जो मकासद हैं वो जो सबसे पहले जो इसका मकसद है वो ये है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, और साथ साथ में सिटीजन जो शहरी हैं उनको उनकी रसाई मालूमात तक उनकी रसाई को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें कुछ पॉलिसीज एडवोकेसीज भी है कि हम पॉलिसी के हवाले से एडवोकेसी इनिशिएटिव भी लेंगे, साथ में कुछ रिसर्च के कंपोनेंट भी है कि एग्जिस्टिंग जो लॉ है और उस पर रिसर्च किया जाए, और साथ में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है उस पर रिसर्च किया जाए कि वो कहाँ तक जो है वो मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ उनका ताल्लुक है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 4 ट्रैक्स हैं। जो सबसे पहला ट्रैक है वो रिसर्च का है, इसमें पॉलिसी लेवल पे रिसर्च होगी और जो एग्जिस्टिंग लॉज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से और राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसकी असेसमेंट की जाए फेडरल लेवल पे, और साथ में बलूचिस्तान में खास करके जो फर्स्ट जनरेशन लॉ है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको किस तरह हम बेहतर बना के दूसरों सूबों के बराबर ला सकते हैं और वो फेडरल के लेवल के भी बराबर आ जाए। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी है जर्नलिस्ट के लिए कि उनकी होलिस्टिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी होगी, साथ में वकला के लिए कि वो किस तरह जो मीडिया लॉज है उन उस हवाले से या उनके उसके मुतल्लिक उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए और वो आगे जाके इस काम को संभाल सके। और साथ में जो इसका चौथा जो ट्रैक है वो लीगल असिस्टेंस है कि हम जो हमारा एक पार्टनर है MMFD मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, वो जर्नलिस्ट को जो उनको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे अगर वो उनको चाहिए तो। ये इस प्रोजेक्ट के 4 मकासिद हैं और इसका दौरानिया 2.5 साल है और ये ईयू फंडेड है। थैंक यू आमिर साहब। थैंक यू वेरी मच जलील साहब। जहां से हमने बात शुरू की थी राइट टू इंफॉर्मेशन, हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन की तारीख है वो अब तकरीबन 2 अशरे पुरानी है। अगर हम सन 2002 से पहले ना भी जाएं कि जो 1990s में जो डेवलपमेंट हुई अगर उनके ऊपर हम नज़र ना भी रखें, तो जो पहला राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ है पाकिस्तान में वो 2002 में फेडरल लेवल पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज हुआ। अब उसी के देखा देखी हमारे यहाँ दोनों ने और बलोचिस्तान ने अपना अपना राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ जो है वो बनाया, इनेक्ट हुआ वो असेंबली के एक्शन के साथ, और बाकी 2 जो सूबे थे उनकी तरफ यहाँ पे लॉ ना आ सका, यानी खैबर पख्तूनख्वा में कोई राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ नहीं था और पंजाब में कोई राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ। तो ये जो 3 लॉज थे, जो फेडरल लेवल का लॉ और बलोचिस्तान और सिंध का लॉ, इसको हम नॉर्मली जो है वो फर्स्ट जनरेशन लॉ कहते हैं। हमारे यहाँ जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आई है राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज की वो 2013 के बाद आई है। 2013 में पहले खैबर पख्तूनख्वा ने अपना राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून पास किया और उसके बाद फिर पंजाब असेंबली ने 2013 में ही दिसंबर 2013 में राइट टू इंफॉर्मेशन पास किया। इसके बाद 3-4 साल के गैप के बाद सिंध ने इसके बाद 4 साल के गैप के बाद सिंध ने और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पुराने लॉ रिपील किए, यानी
फेडरल गवर्नमेंट ने अपने 2002 वाला जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस था उसको रिपील करके नया ला लेकर आए, और साथ ही सिंध ने भी अपना जो 2006 वाला ला था उसको रिपील किया और उसकी जगह एक नया राइट इंफॉर्मेशन का ला लेकर आए। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो पहले तीनों ला थे, लास्ट थे फेडरल लेवल का ला और बलोचिस्तान और सिंध का ला, ये तकरीबन रेप्लिका थे एक दूसरे के। जो प्रोविंशियल ला थे दो सिंध के और बलोचिस्तान पे, वहाँ पे स्वाय फेडरल के लफ्ज़ को रिप्लेस करने, प्रोविंशियल के लफ्ज़ से रिप्लेस करने के और शायद कोई ज़्यादा जो है तब्दीली नहीं थी। तो ये जो बाद में लाज आए पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और फेडरल लेवल पे, इनको हम सेकंड जनरेशन ला कहते हैं। वो कि मैं हमेशा जो फेडरल ला है उसको डेढ़ जनरेशन ला कहा करता हूँ, कि फेडरल ला में वो सारी खूबियाँ शामिल नहीं हैं जो हमें अपने प्रोविंशियल लाज में मिलती हैं। हमारे यहाँ जो पंजाब और केपी के लाज हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग लाज हैं। जो फेडरल ला है वो अपने पिछले ला से एक दर्जा आगे शुरू है, लेकिन वो तमाम एस्पिरेशन जो सिविल सोसाइटी की थी सूबाई लाज को देखते हुए वो शायद फेडरल लॉ में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बहरहाल एक कदम जो है वो आगे है। तो जो मेन डिफरेंस बिटवीन दीज फर्स्ट जनरेशन लॉज एंड सेकंड जनरेशन लॉज, क्यों हम इनको पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन कहते हैं, मेरे नज़दीक तीन बड़े डिफरेंस तो बहरहाल हैं। एक डिफरेंस तो ये है कि जो सेकेंड जनरेशन लॉज हैं जो कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव लॉज हैं, उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की क्लॉज मौजूद है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर से हम सबको पता है और हमारे सुनने वालों को भी अक्सर को पता होगा कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर से मुराद है कि हुकूमत जो है या पब्लिक बॉडी जो है वो अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन को खुद ही रिलीज कर दे और लोगों को उन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हुकूमत से कोई दरख्वास्त देनी ना पड़े। गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिवली स्टांस लेकर उनको इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दे। तो हमारे यहाँ जो सेकेंड जनरेशन के लॉ हैं उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की क्लॉज मौजूद है। उस पर कितना अमल होता है कितना नहीं होता है ये एक बात की कहानी है, लेकिन बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की क्लॉज जो है वो मौजूद है सारे नए लॉज में। हमारे यहाँ पुराने लॉज जो थे उसमें ये मिसिंग थी। सेकेंडली हम समझते हैं कि जब अगर सिटीजन है और उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट डिनाई होती है तो कम से कम उसके पास एक इंडिपेंडेंट फोरम मौजूद होना चाहिए जहां वो अपनी ग्रेवेंसेस को या अपनी कंप्लेंट को लेकर जाए। फर्स्ट जनरेशन लॉ में ऐसा कोई इंडिपेंडेंट सेपरेट कोई फोरम मौजूद नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्लेंट है वो वफाकी मौसब या सूबाई मौसब एज द केस में भी जाती थी, और हमने देखा कि सूबाई मौसब के पास या वफाकी मौसब के पास जब कंप्लेंट जाती है तो एक तो वहाँ पर डिलेज के बड़े मसाइल थे, क्योंकि वफाकी मौसब के पास वैसे ही जो है वो 6 महीने का टाइम होता है किसी भी कंप्लेंट को डिसाइड करने में, और अगर वो 6 महीने में डिसाइड नहीं भी करती तो मेरा ख्याल है कोई भी वहाँ पे उसको पूछने वाला या कोई भी उसको बताने वाला या उसको अकाउंटेबल ठहराने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ जो नए लॉज आए उसमें एक तो यह था कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जिसको हम इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। वो ये इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सूबाई लेवल पे भी मौजूद है नए लॉज में और फेडरल लेवल पे भी मौजूद है। जाहिर सा बात जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमीशन है उसको। तो एक तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो है मौजूद है। और तीसरा मेरा ख्याल है कि एक जो एक मेन डिपार्चर है सेकंड जनरेशन लॉज में वो ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पेनल्टी क्लास भी मौजूद है। पेनल्टी क्लास से मुराद ये है कि अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विलफुली डिनाई करता है इंफॉर्मेशन सिटीजन को, और जब सिटीजन कंप्लेंट में जाता है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ये समझती है कि सिटीजन का राइट जो है वो डिनाई हुआ है, तो कमीशन जो है वो उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जुर्माना भी कर सकती है। मुख्तलिफ लॉज जो है हमारे यहाँ उनमें जुर्माने का जो रेट है वो डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल एक पेनल्टी क्लॉज मौजूद है। तो ये तीन चार जो है बड़े क्वालिटेटिव डिफरेंस हैं जो नए लॉज हैं पुराने लॉज से। आज का जो हमारा मिल बैठने का मकसद है ये एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन हम कर रहे हैं जिसमें हमारा ख्याल यह है कि अब हमारे पास चारों जगह पे यानी तीनों प्रोविंसेस में और फेडरल लेवल पे राइट टू इंफॉर्मेशन के बेहतर लॉज मौजूद हैं। एक सिंध रह गया कि जिसमें एक पुराना लॉ है जिसको ज़ाहिर है यकीनन लोग जो है उसको यूज़ करते हुए ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते। हम सबको तजर्बा है उसका, मुझे ज़ाती तौर पर तजर्बा है। अभी पिछले दिनों वफाकी मौसब की तरफ से जवाब आया कि आपके जो सिग्नेचर्स हैं जो आपने पीईओ को रिक्वेस्ट की थी उसमें जो आपने सिग्नेचर किए थे
और जो आपने वाकई महोत्सव को रिक्वेस्ट की है उसमें जो सिग्नेचर किए हैं, और ये दोनों सिग्नेचर चूंकि आपस में मिलते नहीं है तो इसलिए हम आपकी जो है वो रिक्वेस्ट वाई महोत्सव चूंकि ये सिग्नेचर मिलते नहीं है तो हम आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं मान रहे। फिर एक ये भी वजह आती है कि आपने जो रीजन दी इंफॉर्मेशन लेने की, वो रीजन कोई ऐसी सॉलिड रीजन नहीं है कि जिसके बेस बना के आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा सके। मतलब इस तरह की चीजें मौजूद हैं, जबकि हमारे जो दूसरे प्रोग्रेसिव लॉ है वहाँ पे रीजन की बात ही नहीं हो रही, वो वहाँ पे बड़े एक्सप्लिसिटली ये कहा जाता है कि रीजन की जरूरत नहीं है, सिटीजन को रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है जब इंफॉर्मेशन ले रहा हो। तो ये सारी वो खराबियां हैं जिसकी वजह से जो बलोचिस्तान का लॉ है उसको हम वीक लॉ कहते हैं, और सिटीजन के पास कोई ज्यादा एवेन्यूज नहीं है कि इसको यूज करते हुए वो बलोचिस्तान गवर्नमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सके। तो जो आज हम मिल बैठे हैं वो यही है कि हम कोई एडवोकेसी कंपेन इस तरह की जो है वो बना सकें जिसमें हम नए एडवोकेसी पार्टनर्स को ढूंढ सकें, नए एडवोकेसी टूल्स हम देख सकें कि क्या हो सकते हैं, और उनको लेकर तो हम एक अगले कुछ साल एक एडवोकेसी कंपेन बनाएं और जो इस पर अमल करते हुए हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो बलोचिस्तान में एक नया पावरफुल प्रोग्रेसिव लॉ जो है वो लाने की कोशिश करें। तो ये इसका बैकग्राउंड था, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ज्यादा टाइम नहीं अब लूंगा। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पैनलिस्ट से बारी बारी को अपने ख्याल का इजहार करें, और उसके बाद जब सारे पैनलिस्ट अपने अपना ख्याल का इजहार कर चुकेंगे तो फिर हम जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए इस फोरम को खोलेंगे। मीनवाइल जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जूम में हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, वो अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन लिखकर भी हमें भिजवा सकते हैं जूम पे। वो लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पे मौजूद हैं वो अपना क्वेश्चन लिख के भिजवा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम जो है वो इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के बाद जो है वो लेंगे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा बहराम डहरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करें। बहराम साहब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आमिर जज साहब आपका CPDI का और इसके साथ साथ काफी पिछले कई दिनों से मैं आपके सीरीज ऑफ वेबिनार्स ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन इस पर देख रहा हूँ, इसके साथ साथ आपके जो जलील साहब है उसके मिस फिजा है, यहाँ पर बलूचिस्तान में मोहम्मद आसिफ साहब है, हम इनके साथ काफी अरसे से आपके DLG ग्रुप के हम वर्किंग ग्रुप में उनके साथ हैं, और हम लोग काफी अरसे से इस राइट टू इंफॉर्मेशन आपके जो इनिशिएटिव है CPDI का वो हम देख रहे हैं, इसके साथ हम लोग मुंसलिक हैं और उसके साथ हम काम कर रहे हैं। और आज जो एडवोकेसी के हवाले से हम आपके साथ बिल्कुल हर लेवल पर हर प्लेटफॉर्म पर हम लोग मौजूद रहेंगे, और इस जो भी एडवोकेसी आप लोग एक चेकआउट करेंगे पेन हमारे साथ शेयर करेंगे उस हवाले से है। मजीद जो आपने अच्छी तरह से ब्रीफ किया राइट टू इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान का FOI फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2005 का जो आपने ये जो एक्ट है ऑर्डिनेंस है आपने ये हमारे साथ शेयर किया है, इस हवाले से हम पिछले काफी अरसे से 15 साल से ये लॉ हमारे यहाँ मौजूद है, और हमने बहुत कोशिश की है अपने लेवल पर के भी इस लॉ में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कोई चीज तो मौजूद है इससे फायदा उठाया जाए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही एप्लीकेशंस हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के गिने चुने एप्लीकेशंस हैं जो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमें जब इंफॉर्मेशन ली तो हमें ये पता चला कि 33 के करीब है, फिर कभी फिर पता चला कि 52 समझो, अगर 50 के करीब भी अगर समझे पिछले 15 सालों से अब तक सिर्फ 50 के करीब एप्लीकेशंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मूव हुए हैं, और उन 50 पर भी जो है रिजल्ट जो है हमें इतना अच्छा नहीं मिला, डिपार्टमेंट से गए हैं प्रोविंशियल ओम्बड्समैन की तरफ गए जो आखिरी सहारा वहां पर है, क्योंकि बलूचिस्तान का FOI हमने देखा है, हमने प्रैक्टिकली तौर पर जो आपके DLG ग्रुप के थ्रू से जो DLG आपका प्रोजेक्ट के थ्रू से हमने कुछ एप्लीकेशन गवर्नमेंट्स को जो डिपार्टमेंट्स को हमने मूव किए थे वहां से कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं मिला था, जब हमने प्रोविंशियल ओम्बड्समैन को ये फॉरवर्ड किए ये एप्लीकेशंस तो वहां पर हमें सिर्फ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस पर ये कहकर
रिजेक्ट किया गया है, उनको जो है इग्नोर किया गया कि यहाँ पर सिग्नेचर्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें बहुत गैप है। जो FOI है, ये FOI जो है ऑर्डिनेंस, ये बहुत ना होने के मुताबिक, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को आप अप्लीकेशन दे सकते हो, यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन इसमें नहीं है। बलूचिस्तान में डिपार्टमेंट को आप अप्लीकेशन देते हो तो डिपार्टमेंट जो है वो इतना पाबंद नहीं है कि आपको 21 दिन उनके साथ होते हैं, 21 दिन के बाद भी उनके पास मजीद एक हफ्ता होता है, फिर उसमें फिर ये कि एक हफ्ते बाद फिर आपको वो खातिर जो है जवाब न देकर जो है आगे बढ़ाया जाता है, आपको जवाब सही नहीं मिलता है हमारे FOI के थ्रू से। तो ये नागुजीर है। हमने जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एड बलूचिस्तान के थ्रू से, शहर के प्लेटफॉर्म पर, आपके DLG प्रोजेक्ट में और आपके जो यहाँ पर CPTI के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, उस पर हमने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, 12 हमने सेमिनार वर्कशॉप्स भी किए हैं। नसरुल्लाह ज़हरे साहब यहाँ पर मौजूद है, उनको हमने अक्सर कंसल्टेशन सेशन में लिए। इसके साथ जो जितने भी हमारे पार्टी लेवल, इवन जाम साहब, मैं किसी एक एक्टिविटी में उनके साथ था, तो मैं उनसे क्वेश्चन किया, उनसे उनको कहा इस ला के बारे में, उन्होंने कहा कि ये इंशाल्लाह ताला ये ला हम पास करेंगे जल्द अज जल्द। उस जल्द 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 को भी 1.5 साल हुए हैं। तो उसमें फिर जो है सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी पॉलिटिकल विल, क्योंकि ये हमने आपके दोस्तों के साथ मिलकर, CPTI के दोस्तों के साथ मिलकर, जितने भी हमारे राइट इंफॉर्मेशन पर बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, हमने इतना तक दो कोशिश इतना की है कि इस ला को जो है जो ला डिपार्टमेंट में था, काफी ला डिपार्टमेंट वाले जो थे इस पर जो है हिले हुजत करके उसको जो है पेंडिंग में डाल रहे थे, फिर हमने उनको जो मोटिवेट करके बार बार फॉलो अप देने के बाद, जब उन्होंने जो है आगे अपनी क्यूरीज डालकर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गए, इससे पहले जो भी सेक्रेटरी साहब थे उसके पास हम लोग कई बार उसके पास गए, फिर इसके बाद अब रिसेंट जो सेक्रेटरी इरफान शाह गर्शीन साहब आए हैं, तो उन्होंने हमसे प्रामिस किया था कि भाई ये जो ला पिछले जो मार्च में उन्होंने कहा था कि मार्च में ये जो ला हमने जो है ला डिपार्टमेंट से वेट करवा कर इसको जो है हम जो है कैबिनेट भिजवा चुके हैं इस ला को, तो ये ला रेडी है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ कंसल्टेशन को की थी और KP खैबर पख्तूनख्वा का ला उनको पेश किया। इसके साथ साथ आपके जो भी फाइंडिंग्स थे और रिसर्च थे वो उनके साथ शेयर किए, एड बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा रिसर्च किया वो उनके साथ शेयर किए, जो बेस्ट जो लॉज हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के वो उनके सामने रखे थे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जो हमें रिकमेंडेशन दे रहे हो वो ला जो नया बना है, नया बिल बना है, बिल्कुल आपके रिकमेंडेशन के मुताबिक, इन चीजों के मुताबिक, ये सब उसमें कमीशन मौजूद है, इसमें सजा जजा मौजूद है, इसमें टाइम मौजूद है, ये सब चीज मौजूद है। अब जो आगे जो है कैबिनेट के पास चली गई, फिर कैबिनेट की हम गए फॉलो अप दिया, तो वहां पर उन्होंने जो लास्ट जो मार्च में उनकी मीटिंग कैबिनेट की लास्ट मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने बहुत कोशिश की कि एजेंडा पॉइंट में इसको लाया जाए इसको, तो अनफॉर्चुनेटली एजेंडा पॉइंट पर वो उसको नहीं लाया गया। उसमें फिर लियाकत शाहवानी साहब ने जो फोकल पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, उन्होंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट अगर कैबिनेट डिवीजन का मीटिंग होता है तो उसमें इसको एजेंडा पॉइंट में डाला जाएगा, इसको रखा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ये इसको एजेंडा पॉइंट में नहीं डाला गया है, ये ला अभी तक पेंडिंग है। मैं आपको यहाँ से एक और भी बात बताता चलूं, हम मुख्तलिफ कंसल्टेशन सेशंस में पार्लियामेंटेरियन ब्यूरोक्रेसी के पास भी गए, तो वो हमने जो एक फील किया है, महसूस किया है, वो नहीं चाहते, उनको डर है कि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ला आएगा तो आगे के लिए उनके लिए मसले मसाइल होंगे, क्योंकि उनको इतना सही अवेयरनेस नहीं है। आप मुवाजना करें खैबर पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा ने जो है पिछले एक क्वार्टर में जितने केसेस किए, ये उन्होंने जो 15 सालों ने बलूचिस्तान में FOI में इतने केसेस उन्होंने डील नहीं किए, तो उसमें जो है हजारों केस स्टडीज उनके जो है वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, आप लोगों की वेबसाइट पर भी पड़े हुए हैं कि जिन्होंने जो है RTI के थ्रू से जो है पूरे पाकिस्तान में जो है फेस्टेट हुए हैं। फेडरल ने भी है, जायद अब्दुल्ला साहब यहाँ पर मौजूद है, वो भी हमें बता सकते हैं, फेडरल में भी RTI मौजूद है, वो लोग वहां पर फेस्टेट हो रहे हैं, लेकिन हम बलूचिस्तान वाले बाकी जितने भी हमारे कानून है, बाकी जितने भी हमारे लेजिस्लेशन है, उनमें जिस तरह से हम पीछे हैं, इसी तरह RTI में भी हम लोग पीछे हैं, और उनके अंदर ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा ला हो कल हम इसके जुमरे में नहीं है। इनके लिए फिर ये कि मैं आपको एडवोकेसी CPTI को और आप ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी एडवोकेसी प्लान बनाएंगे उसमें हमारे जो भी ये ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे बिग गन्स हैं, उनके लिए कुछ इस किस्म के अवेयरनेस के सेशंस
प्लान किए जाएं ताकि जो है उनको बताया जाए, इसके साथ साथ एक्सपोजर विजिट भी उनको प्लान किए जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या जो सिंध में जो लॉ बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है वो वहां पर उनको दिखाया जाए, बताया जाए कि भाई किस तरह से काम चलाया जा रहा है, किस तरह से ये आरटीआई इफेक्टिव है। तो ये इस टाइम जो है मजीद आपको एडवोकेसी के ये के पार्लियामेंटेरियन हमारे पास मौजूद है तो उनको कैबिनेट में ये पहुंच चुका है, अब कैबिनेट से निकालकर कैबिनेट पॉइंट पर लाना है। इस हवाले से हमने जो है मजीद आपके जो ये अप्रिशिएट करता हूँ जो वेबिनार सीरीज आपने की है, इससे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जो है जाम साहब को। हमने अभी भी उनको पारा क्योंकि वो मैदान में फील्ड में हमें नजर नहीं आ पा रहे हैं, ट्विटर पर नजर आते हैं, जो ट्विटर पर हम लोग उसको बारह जो है टैग कर रहे हैं, बारह उनको बताते हैं कि भाई ये एक कमजोर लॉ आपके पास मौजूद है, इसको चेंज करो, हमें जो है एक पावर दो, आम सिटीजन को पावर दो। तो वो ट्विटर पर तो हमें बहुत ज्यादा तसलियां दे रहे होते हैं लेकिन ये फील्ड पर नजर नहीं आते। अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक ग्रुप सीपीडीआई के शिकल में हमारे पास आ गई है तो हम समझेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये जितना स्ट्रांग होगा, जितना इसको जो है इसके पीछे एक्टिविटीज डालेंगे, सेमिनार होगा, वर्कशॉप होगा, टारगेटेड मीटिंग्स होंगे, इसी तरह से ब्रोशर्स बनेंगे एडवोकेसी के, इसी तरह से कुछ जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ यहाँ पर बिलबोर्ड्स है, बिलबोर्ड्स के ऊपर भी लगाए जाए क्योंकि हमने जितने भी ये टूल्स है एडवोकेसी के हमने अडॉप्ट किए तो इसमें हमने देखे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट था 10 साल हमने उसके ऊपर काम किया, 10 साल बाद जाकर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो लॉ पास किया है। तो आरटीआई पर भी हम पिछले 2 सालों से लगे हुए, हम ये नहीं चाहेंगे कि मजीद इस पर 8 साल मजीद और लगे और उस टाइम तक हमारे बच्चे इससे जो है फैसिनेट हो जाए, हम चाहेंगे हम खुद जो है इससे फैसिनेट करें। लिहाजा हम आपके साथ तैयार हैं और प्रेजेंट सिचुएशन मैंने आपको बताया और एडवोकेसी के टूल्स भी मैंने बताए, मेरे तरफ से ये चीजें आपके सामने। मजीद मैं आपके साथ ऑन हूँ और जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी बातें होंगी, मैं आपके साथ रहूंगा। आपका पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बैराम साहब। बैराम साहब की तरफ से मेरा एक चीज़ तो क्लियर होकर आ रही है कि जो ज़्यादा इशू आ रहा है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आ रहा है और उसके पीछे कोई डर है कि अगर ये एक मजबूत लॉ बन गया तो शायद हमें जो है ना वो उसमें कोई मसला होगा या कोई मुश्किल पेश आएगी। तो मेरे ख्याल उसके लिए आपने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि जो कंसर्न हैं यहाँ पे बंदे बलोचिस्तान में उनके एक्सपोजर विजिट्स करवाए जाएँ पंजाब में फेडरल गवर्नमेंट के साथ और फिर जो है वो केपीके में, ताकि वो देख सकें कि वर्किंग किस तरह से हो रही है और जो इन्फॉर्मेशन जब जाती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है और ऐसा कोई जो है वो नुकसान नहीं है गवर्नमेंट के ऑफिशल्स को जब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैराम साहब, आपसे इंशाल्लाह जो है वो दोबारा हम दूसरे राउंड में आते हैं जो क्वेश्चन आंसर है उस पर उसमें भी आपको लेंगे। नसरुल्ला साहब आपको, आप मेरी आवाज़ आ रही है, अगर आप अनम्यूट कर लें पहले। जी नसरुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, नसरुल्ला साहब हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो आपका माइक बंद है, नहीं बिल्कुल बंद है लगता है, जरा देखिए। अभी आ रही है, अभी बिल्कुल आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह साहब, हमने सेमिनार के शुरू में एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन किया था तो उस वक्त भी हमने बड़ी कोशिश की आपको ले पाए लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही थी हमें, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा हमारे सारे देखने वालों को और सुनने वालों को, और साथ में फिर जो है ना वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो भी आप। बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्ला खान जेरे मेरा नाम है, मैं क्वेटा से सूबाई असम्बली का मेंबर हूं और ताल्लुक मेरा पुश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से। मैं 2013 में भी मेंबर सूबाई असम्बली था और 2018 में भी मैं दोबारा दूसरी मर्तबा मैं मेंबर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुआ हूँ। और जी जी, जी। नसरुल्ला साहब आपको मैं दे रहा हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें आज के। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपका, आपके इदारे का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने ख्यालात, अपने तमाम जितने भी हमारे शुरका है जहां जहां से उन तक मैं पहुंचा हूं और तमाम शुरका का जो भी लाइन में है सबको खुशामदीद।
यकीनन आज जो काविश आप लोग कर रहे हैं कि आरटीआई के हवाले से बिलखसूस फिर हमारे प्रोविंस बलूचिस्तान में जो एक कानून मौजूद है जो असल में वफाकी हकूमत के 2002 के ऑर्डिनेंस को देकर बनाया गया 2005 में, जिसका नाम है द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लेकिन अगर आप उस एक्ट का आप मुतालिया करें तो उसमें कोई ऐसी कोई खास बात उसमें मौजूद नहीं है। जो तीन लिस्ट दिए गए जिनमें एक लिस्ट पॉजिटिव है जिस तक आप पहुंच सकते हो और दो नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन उसमें भी आप जो है ना न पहुंच पा रहे हो, न जो है ना लोगों को रसाई उस तक हासिल है, ना लोगों को इस हवाले से मालूमात हासिल है। 2005 के बाद यकीनन हमने काविश की जब हमारी हकूमत आई, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी चाह रही है कि किसी किस्म का कोई कानून जब लॉ डिपार्टमेंट बनेगा या मुतलिका डिपार्टमेंट तजवीज करेगा उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट जा करके उसके वेटेज हो जाती है। तो इस तरह हमने कोशिश की 2016 उस वक्त एक मसौदा कुछ तैयार हो सका। उसके बाद हमारी हकूमत का उन्होंने खात्मा कर दिया। 2018 जनवरी में हमारी हकूमत खत्म हो गई। उसके बाद आज तक अभी ये 18-19 साल हो गए। वो जो उन्होंने प्रपोज किया है 2018 एक्ट का जिसका नाम है बलूचिस्तान राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2018, जो मुख्तलिफ अवकात में कैबिनेट के सामने आता रहा, लेकिन फिर 28 मई 2018 के कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि इसका और 2005 का जो आपका फ्रीडम एक्ट है उसका मवाजना किया जाए आपस में, जिसका उन्होंने कर लिया। फिर दोबारा कैबिनेट के सामने आया, लेकिन कैबिनेट ने अब तक मौजूदा हकूमत ने उस बिल को कैबिनेट में पास नहीं किया है। जब पास होगा उसके बाद ये हाउस में आएगा, हमारे सामने आएगा, हाउस के बाद ये जा करके मुतलिका जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास जाएगा, फिर दोबारा आ करके ये बकायदा तौर पर कानून बन जाएगा। मैं समझता हूं कि हकूमत या कुछ इदारे इस किस्म का वो डर और खौफ है कि न जाने अगर ये कानून बन जाए और आवाम की रसाई हो जाए तमाम डिपार्टमेंट्स तक तो पत्नी क्या आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन अब देखे के अगर आप अभी का ले लेके COVID-19 आया तो बहुत सारे मामलात हो गए, NDMA की जानिब से कहा गया कि हमने इतने अरबों का सामान लाया है, हमारे यहाँ जो PDMA प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने बहुत सारा यहाँ पर खरीदारी की है, लेकिन आप देख करके ऐलान रह जाएंगे कि उसके वेबसाइट पर एक मालूमात भी आवाम के लिए मुयसर नहीं। जब इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का या CNW का या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का या फिर इरिगेशन का, वहां पर हमें कोई मालूमात आवाम को मुयसर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बिल है RTI और फिर ये 2018 का जो उन्होंने बनाया है और अभी तक वो कैबिनेट के सामने भी नहीं आया है, तो मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई जरूरी है ताकि आवाम को हर मकतब फिक्र के लोगों को अपने हकूमत के हवाले से मालूमात हो, उसकी कारकर्दगी के हवाले से मालूमात हो, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हवाले से मालूमात हो। जब ये मालूमात मुयसर आएगा तो एक एहतसाब का एक अमल भी इसमें होगा, एक जमहूरी निज़ाम भी मजबूत होगा, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के Article 8 से लेकर के 28 तक आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें तमाम वो हकूक आइन के लिहाज से हासिल है।
और बिलखसूस आर्टिकल 19 का अगर आप मुतालिया करें तो ये शहरियों का हक है कि वो मालूमात हासिल करे और वो जाए देखे कि हमारा पैसा कितना आया, कितना जाया हुआ, हकूमत ने क्या काम किया है, और फिर ये अपने हकूमत का वो एहतसाब कर सके। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुल्क के बाकी तमाम प्रोविंस में कैपिटल वफाक में भी ये कानून बना है और खैबर पश्तूनख्वा बाकी सूबों में भी, लेकिन अगर आप देखें कि वहां पर भी अभी तक कानून तो पास हो गया उनका, लेकिन रूल बिजनेस जो है ना वो अभी तक नहीं बना है। आवाम को कितने एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं और उसके जवाब में हकूमत ने मुतल्लिका इदारों ने जो एप्लीकेंट है जिनको मालूमात चाहिए उनको कितना रिस्पांस किया है, कितना उन्होंने उसके को मालूमात दी है मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स का, वो भी हम मैं मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि खैबर पश्तूनख्वा में क्या पोजीशन है इस वक्त, पंजाब में क्या है, सिंध में क्या है, क्या है और वफाक में क्या है। तो मैं समझता हूं कि एज ए पार्लियामेंटेरियन मैंने बड़ी कोशिश की है मुख्तलिफ कवानी बिलखसूस आरटीआई के हवाले से कि ये कानून जल्द अज जल्द असेंबली के फ्लोर तक आए ताकि हम जो है हम मंजूर कराए। तो बहरहाल ये मेरे ख्यालात है, आगे जा करके जो भी क्वेश्चन होंगे या भी जो भी बात होगी उसमें फिर मैं शरीक हूंगा। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, लेकिन आपकी काविशें जो हैं वो काबिल स्तायश हैं जो आपने राइट टू इंफॉर्मेशन। मेरा ख्याल है कि आप वही तौर पे एक काम तो कर सकते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन का मुसवदा है नए बिल का, वो हमने तो मांगा है हमें तो नहीं मिला, वो तो वही आप हमें निकलवा के दे दें ताकि हम भी देख पाए कि वो कानून कैसा है और किस तरह से उसका कंपेरिजन किया जा सकता है पुराने इलाके साथ और किस तरह से उसका कंपैरिजन किया जा सकता है दूसरे जो प्रोविंसेस में लाज है उनके साथ। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा सैयद अली शाह साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, और शाह साहब अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के आगाज में कुछ हमारे जो अटेंडेंस हैं उन्होंने हमें बाद में भी ज्वाइन किया है तो एक मुख्तसर तारा जो आपने शुरू में करवाया था वो जरा दोबारा करवा दीजिएगा और उसके बाद आपकी फिर जो है वो प्रेजेंटेशन भी होगी। तो ओवर टू यू सैयद अली शाह सर, अपना अनम्यूट कर लीजिए पहले उसके बाद। अब ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गो अहेड। मेरा नाम सैयद अली शाह है, मैं बेलूची को डॉन्यूट से यहाँ बैठा मैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सीपीडीआई का। मेरे ख्याल में ये जो आज जो डिस्कशन आपने ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसका बरहराज ताल्लुक जमहूरियत से है, इसका बरहराज ताल्लुक सिस्टम से है, इसका बरहराज ताल्लुक जो है गवर्नेंस से है, इसका बरहराज ताल्लुक जो है वो अकाउंटेबिलिटी से है, इसका बरहराज ताल्लुक ट्रांसपेरेंसी से है। मेरे जो दूसरे पैनलिस्ट थे नसरुल्लाह खान जेरे, बहराम नेगी साहब, उन्होंने बहुत तफसील से बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की। आई अप्रिशिएट देम, इन्होंने अच्छा काम किया है फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन इतना मैं बता दूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये बलूचिस्तान में आम लोगों को पता नहीं है, आम लोगों को तो आप सेट असाइड जो जर्नलिस्ट है वो भी इसको अप्लाई नहीं करते हैं। एक तो 2005 में लॉ बना, फिर 2016 या जो भी है ये लॉ जो है आउटडेटेड है। Outdated in the sense, अगर आप कोई लॉ बनाती हो तो मेरे ख्याल में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, क्वेटा प्रेस क्लब है, बलूचिस्तान की दीगर प्रेस क्लब्स है, या जो जर्नलिस्ट यूनियंस है, या जो वैसी मीडिया से वाबस्ता इस पेशे से वाबस्ता जो लोग है साथी है उनको ऑनबोर्ड लेना चाहिए था उनकी एक्सपर्टीज है इसमें। इसके अलावा सिविल सोसाइटी है, मेंबर्स ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी है, वकला है, उनको शामिल करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ अलमेर ये है कि सिर्फ ये कॉपी पेस्ट हुआ। 2002 में मरकज में लॉ बना, 2005 में सिर्फ कॉपी पेस्ट करके
जिस तरह आपने पहले जिक्र किया मरकज को तब्दील करके बलूचिस्तान वहां पे लिख दिया गया और कहा कि जी एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो बन गया है। प्रैक्टिकली इसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है उसकी, यानी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। कोई 3-4 साल पहले मैंने एक एक्सरसाइज किया, बलूचिस्तान के 33 अजला है, 33 अजला में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है इनके, इनको मैंने 50-50 रुपए कोई फीस था, पोस्ट ऑफिस के जरिए मैंने एक क्वेश्चनेयर भेजा कि जी मेरा ये नाम है, मैं इस इदारे के लिए आपसे ये इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ। मैंने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनसे नहीं मांगे, बल्कि मैंने उनको सिंपली लिखा कि आप ये बताएं कि 2017 या 2018 के दौरान आपने कितने पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं। 33 में आउट ऑफ 33 मेरे पास सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है वहां का जो MS था हॉस्पिटल का, उसने मुझे डेटा भिजवाया कि जी हमने कितने पेशेंट जो है वो ऑपरेट किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लोग नाबालिग भी है, ब्यूरोक्रेसी को तो पता है, लेकिन वो ये चाहते नहीं है कि ये लॉ जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब बात यह है कि इसका बरह रास्त ताल्लुक तो आजादी इजहार से है, इसका बरह रास्त ताल्लुक तो एहतसाब से है, इसका बरह रास्त ताल्लुक तो अवामी पैसे से है। अब जिस तरह नसरुल्लाह खान जेरी साहब ने बात की, अब हाल ही में कोरोना के हवाले से बलूचिस्तान के जो बासी है उनको ये इलम नहीं है कि सेहत के लिए कितने पैसे ये हम देख लेते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर साहब ट्विटर पे देते हैं या कोई सरकारी बयान आता है कि जी इतने अरब रुपए हमने मुख्तस किए, लेकिन ये पैसा किसका है? ये न मेरा है, न आपका है, न चीफ मिनिस्टर का है, ये बलूचिस्तान के जो बासी है ये पैसा उनका है, ये पाकिस्तान के जो बासी है ये उनका है। वो अगर ग्लास पानी भी पीते हैं तो उसमें टैक्स पे करते हैं। तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल और मेरे ख्याल में अकाउंटेबल जो सिस्टम्स है वो सस्टेन करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स ना हो तो आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है, हमें आज तक ये इलम नहीं है कि बलूचिस्तान में, और तो आप सब कुछ छोड़ दें, मैंने खुद चीफ मिनिस्टर साहब को इंटरव्यू किया, 1 घंटे का इंटरव्यू था, उसमें मैंने रिपीटेडली पूछा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास कितने वेंटिलेटर्स है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अदाद और शुमार मुझे बताए उसके बाद, यानी 3 महीने गुजरने के बावजूद ये वेंटिलेटर्स कभी 20 हो जाते हैं, कभी 25 होते हैं, कभी 30 होते हैं। हमें अभी तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये नहीं बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास हेल्थ के पास कितने वेंटिलेटर्स है। तो इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि और इश्यूज उनके बारे में लोगों को क्या इल्म है। फिर मैं थोड़ा सा बता दूं, जो आजादी इजहार है, आजादी इजहार का बरह रास्त जो इम्पैक्ट है, देखिए आजादी इजहार का ताल्लुक जमहूरियत से है, इंसानी हकूक से है, फाइनेंशियल इशू से है, सोशल इशू से है, ये इन सब से आजादी इजहार का ताल्लुक है। और आजादी इजहार मेरे ख्याल में एक जमहूरी निजाम में इसकी हैसियत जो है वो इम्यून सिस्टम की है। आजादी इजहार की हैसियत एक थर्मोमीटर की है, जिस तरह आप थर्मोमीटर से बॉडी के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, इसी तरह आजादी इजहार के जरिए आप जमहूरी निजाम के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम, इसलिए कह रहा हूँ, जमहूरी निजाम पे कोई हमलावर होता है तो मीडिया या आजादी इजहार जो है उसके जरिए वो इम्यून सिस्टम की तरह उसको काउंटर करता है। अब इसको समझने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा आई टेक यू बैक। 1688 में ब्रिटेन में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि नो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, नो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, कोई और बात नहीं थी। हम 21वीं सदी में अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि हमें प्रेस को आजाद छोड़ना है या सेंसर करना है, ये किसी सियासी जमात का, किसी इदारे का, किसी शख्स का, किसी इलाके का मसला नहीं है, ये इस मुल्क का मसला है, इस स्टेट का मसला है। इस स्टेट को चलाने के लिए, निजाम को चलाने के लिए आजादी इजहार जो है ये इंडिस्पेंसिबल है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कम अज कम आप अगर यहाँ पे देखें, आम लोग तो छोड़े, लेकिन जो जर्नलिस्ट है उनको भी ये इलम नहीं है कि ये सीपी जो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, आम शेरी का क्या राइट है, जर्नलिस्ट का क्या राइट है, आपको पूछने का हक है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट
plays very important role in the society. तो मैं कहता हूँ आप कॉमन मीडिया है या आजकल सोशल मीडिया का भी रिवॉल्यूशन है, सोशल मीडिया कॉमन मीडिया इनके लिए एडवोकेसी ट्रेनिंग्स का आप इनकार करें, ये अगर आप मुझे सेंसिटाइज करेंगे, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को सेंसिटाइज करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर एक माउंटिंग प्रेशर होगा ब्यूरोक्रेसी पे, लॉ मेकर्स पे, गवर्नमेंट पे, अपोजिशन पे, पॉलिसी मेकर्स जो है वो फिर जरूर उस लॉ को अप्लाई करेंगे। ये आपके जरिए हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त मैंने लिया, आपके पैनलिस्ट का शुक्रिया। मेरे मोबाइल का चार्ज कुछ कमजोर है, मैं थोड़ी देर के लिए गो आउट, दोबारा चार्ज होगा तो आई अगेन ज्वाइन यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सैयद अली शाह साहब। और आप सबसे आखिर जाहिद अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको प्रेजेंटेशन दें, लेकिन इसके साथ साथ मैं दोबारा आपको ये याद दिला दूं जो हमारे पार्टिसिपेंट ने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आपके पास दो तीन तरीके हैं अपने ख्याल का इजहार के। आप इसी जूम की स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन आ रहा है, अब वहाँ पर हमें क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते हैं। यहाँ पे साथ ही आपको जहाँ पे आपके नाम है वहाँ पे आपके रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका रेज हैंड हो जाएगा और हम आपको बाद में मौका देंगे इंशाल्लाह जैसा कि प्रेजेंटेशन के बाद अपने ख्याल का इजहार करने का। और थर्डली आप फेसबुक पे, अगर जो लोग फेसबुक पे लाइव हैं वो फेसबुक पे भी लिख के अपना क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं, हम उनको भी कोशिश करेंगे कि जाहिर साहब की प्रेजेंटेशन के बाद उन ख्याल को और उन क्वेश्चन को शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, CPDI का मैं बहुत मशकूर हूँ। और जो आज का ये मौजू है कि बलूचिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है उसको लाने के लिए कौन से एडवोकेसी इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास एक रिच बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस है, हमारे पास इन लॉज को जो हम अच्छे बनवा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, फेडरल में, सिंध में, उसके लिए CPDI जो है वो गुज़श्ता कोई 2003-04 से शुरू करे तो अब तक वो इतने सालों पर उसने काम किया है, लीड ली है, और उस दरमियान में जो एडवोकेसी इनिशिएटिव्स मुख्तार साहब ने लिए, आमिर जाज साहब ने लिए, मैं भी उसमें कुछ पार्ट रहा उसमें, तो वो हमारे लिए बहुत मौजू हो सकते हैं बलूचिस्तान में ला बनवाने के हवाले से। और ये जो आज आपने दावत दी आमिर साहब, तो इससे बहुत सारी यादें जो हैं वो आई, कुछ तल्ख कुछ बड़ी खुशगवार जो है इन एडवोकेसी इनिशिएटिव्स के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इस सफ़र में जो बलूचिस्तान का राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है लाने के लिए वो कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से एक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस एल्सवेयर 3 प्रोविंसेस में और फेडरल में, और उसके बाद उन एक्टर्स को कैसे हम इंगेज कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे ला जो है बनाने का जो अमल है उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। तो सब हम सब जानते हैं कि जो इस अमल में 3-4 जो बड़े इम्पॉर्टेंट एक्टर्स हैं, सबसे पहले जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और तीसरे जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, और उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं वो दे आल्सो आर स्टेक होल्डर्स और दे कैन आल्सो पे वेरी पिवोटल रोल। तो बेस्ड ऑन जो मुझे यादें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे मैं बता सकता हूँ आपको कि इन सब का रोल माजी में क्या रहा है और इस ला के बनाने के अमल के हवाले से ये लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस जिनको हम बहुत ज़्यादा हर वक्त मिलाइन करते हैं, दे आर आवर फाइनल होप पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिद्दोजहद है उसके हवाले से।
इसकी मिसाल ये है कि 2010 में जब 18th अमेंडमेंट आई तो उसमें दीगर बातें हो रही थी, और आपको पता है कि हमारे आईन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में तो था, लेकिन आर्टिकल 19A जो अब 18th अमेंडमेंट से डाला गया वो राइट टू इंफॉर्मेशन उसके जरिए अमेंडमेंट से डाला गया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स मौजूद थी जिनमें उन्होंने इंटरप्रेट किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेमानी है जब तक के राइट टू इंफॉर्मेशन उसमें शामिल ना हो, तो उन्होंने उसको शामिल किया हुआ था। तो रजा रबानी साहब की ज़ेर सदारत जो कमेटी 18th अमेंडमेंट के लिए काम कर रही थी, CPDI के प्लेटफॉर्म से हमने उनसे बात की, उनसे दरख्वास्त की कि आप जो है ये तरमीम करने जा रहे हैं तो इसमें आर्टिकल 19A जो है राइट टू इंफॉर्मेशन ये भी स्पेसिफिकली मेंशन करें ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रॉपरली एक्नॉलेज किया गया। एंड आई सलूट टू हिम एंड दी अदर मेंबर्स ऑफ दैट प्रेसिडियस कमेटी कि उन्होंने इसको लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर आगे जो पॉलिटिशियंस का रोल है कि आप देखें कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी जो है इसका एक चोली दामन का साथ होता है। तो जब मैंने शुरू में कहा कि हमारी बड़ी नाखुशगवार यादें भी कुछ वाबस्ता है, तो आमिर साहब को भी बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि 2015-16 की बात है, मैं बलूचिस्तान में हमने सेमिनार करना था राइट टू इंफॉर्मेशन के लॉ के हवाले से, वहाँ पर हमने एक मॉडल राइट टू इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान के लिए एक एक्ट बनाया था, और हमारी ख्वाहिश थी कि हम वहाँ पे जो पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने उसकी पेश खिदमत करें और उनसे कहें कि इसको आप देखिए और इसके मुताबिक जो है वो लॉ बनाए। तो हमने दावत दी हुई थी और हम उनको अप्रोच कर रहे थे, उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और बाकी जो अकाबरीन थे मिनिस्टर से। तो एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचा अगले दिन सेमिनार के लिए शाम को, तो वहाँ पे हमें एक कॉल आती है एयरपोर्ट पे, और उस वक्त के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे अब्दुल्ला जान, बड़े ही तल्ख लहजे में उन्होंने कहा कि आप लोग ने ये कैसे कर दिया, आपने दावत कैसे, आपको पता नहीं है कि हमारे बगैर ये काम नहीं हो सकता। हमने बड़े अदब से उनसे कहा कि जनाबे आली, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि इस काम के लिए मौजूद हैं, और आप उन्होंने पॉलिसी बनानी है, आपने इम्प्लीमेंट करनी होती है। लेकिन उन्होंने ये कैप्ट ऑन सेइंग कि जी आपको हमारे से रब्ता करना था वगैरह वगैरह। तो याद ये इसलिए रह गया कि वो जो एक किसी मिसरे में किसी ने कहा था कि मैं बातें भूल भी जाऊं पर लहजा याद रखता हूं, तो उनका लहजा जो है वो आज भी हमें याद है। लेकिन कमिंग बैक टू पॉजिटिव थिंग्स, अच्छा इसी तरह जब 2013 में PTI की गवर्नमेंट आई तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उनकी बड़ी अच्छी एक ख्वाहिश थी कि हम अच्छा ला लेकर आए, लेकिन वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने जो 2002 का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था फेडरल वाला, उससे भी जो है एक इंतहाई नाकिस और निकम्मा सा कानून बना के उनको कैबिनेट में पेश भी कर दिया, मंजूर भी कर दिया। और जब हमें मिला तो हमने उसको कहा कि ये तो आपके साथ बिल्कुल मजाक किया जा रहा है। तो CPDI ने जो है बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, चूँकि कोएलिशन ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन अभी भी काम कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर जो है खैबर पख्तूनख्वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI के लोगों को ट्विटर के जरिए से इंगेज किया, PTI के लोगों को ईमेल्स के जरिए से इंगेज किया, असद उमर साहब को और लोग थे, तो उसके ज़रिए से उन्होंने वो वापस लिया और एक अच्छा ला जो है वो बना। तो देखें कि ब्यूरोक्रेसी का हमेशा से रोल इसमें नेगेटिव रहता है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा ला बनाया जाए। इसलिए एक तो हमें ये बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा बलूचिस्तान के जब ला की तरफ जाएँ, एक तो ये है कि वो अगर ड्राफ्ट बना हुआ है तो मेरी नज़र से शायद गुजरा नहीं है, हमें उसको देखना है, क्योंकि CPDI ने पंजाब में भी जब ला बना तो उसके भी ड्राफ्ट जो है उनके ऊपर तबसरे करती रही, और हमें इस ला को भी देखना चाहिए। हो सकता है देखो मेरे इल्म में नहीं है या ये सामने लाया गया ये नहीं है, एक तो उसके ऊपर तबसरा करें। दूसरा, जब मैं बात कर रहा था कि जैसे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, तो उसमें भी पॉलिटिशियंस ने सेनेट उसकी उस वक्त की कमेटी ने बहुत अहम किरदार किया, और इसी तरह जो फेडरल का ला है इसके लिए भी बहुत ही अहम किरदार अदा किया सेनेट की जो कमेटी थी, उसमें ख़ास तौर पर जो है सेनेटर फरतुल्ला बाबर
जो कि उसकी सब कमेटी जो राइट टू इंफॉर्मेशन के लॉ को रिव्यू कर रही थी सेक्शन बाय सेक्शन, उन्होंने उसको उसमें उन्होंने सारी जो कोशिशें थी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि उसको डाइल्यूट करने की, वीक करने की, उसको उन्होंने नाकाम बनाया। और वो हमसे रबते में रहते थे, फ़ोन करते थे, मीटिंग भी हमने उनके साथ की और उनको हम बताते थे कि सर ये वाली चीज़ जो है आप इस पर इस तरह कर लें। और बज़ाहिर जो ये फेडरल का जो लॉ है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसने इसके अंदर अगर आप गौर से पढ़ें तो इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए से ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव लॉ है। तो इस तजर्बे से ये साबित होता है कि जब ये लॉ असम्बली में बलूचिस्तान किया है तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी के अभी हमारे साथ दो मरतबा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है, हमें इनके साथ मिलकर और इनके इन जैसे सेंसिटाइज्ड जो मेंबर्स हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में और जो कमेटी में है उनके साथ इंगेज करना होगा और उनको स्पेसिफिक बताना होगा। और ये CPDI का तुरा इम्तियाज रहा है कि यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि ये ला बना दें। CPDI हमेशा से ये कहती रही है कि जी आपने ला को कैसे बनाना है, ये इसके अंदर कौन सी शिक है, इस शिक को वो कहते नहीं किसी तब्दील करते, वो कहते हैं अगर ये देखें ये हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, इस शिक को लिखकर वो बताते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो एक ये बात है। और दूसरी बात यह है कि एक इदारे की चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ हो, जो आमिर साहब बात कर रहे थे कि हमें एडवोकेसी इनिशिएटिव्स में कौन से नए पार्टनर्स लेने चाहिए CPDI के प्लेटफॉर्म से, तो यकीनन वहाँ पे जो बलूचिस्तान में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद भी है, उनके साथ मिलकर जो है कोलिशन का प्लेटफॉर्म पे ला के, तो और उसके साथ पॉलिटिशियन जो एलाइज हैं उनको आइडेंटिफाई करके, और उसी तरह जो जर्नलिज्म में ऐसे साफ़ी जो कि चीज़ों को जानते हों उनको इंगेज करके, उनको अच्छी सब्सटेंसिटिव किस्म की प्रेस ब्रीफ्स बनाकर कि ये देखें ये इस ला में ये कुछ सुकम है, इनको दूर किया जा सकता है, तो उनको साथ मिलाकर मैं समझता हूँ कि ये जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस हासिल किया है इस तरीके से हम आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये चंद मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हम आगे जा सकते हैं। और अगर आप लोग के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जैद अब्दुल्ला साहब। वो जो आपने ड्राफ्ट की बात की कि आपने देखा नहीं है, वो ड्राफ्ट हमने भी नहीं देखा, तो हमने अपने एक कोलीग को भेजा था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ का ड्राफ्ट है वो कहीं से लेकर आए, तो वो साहब गए हमारे कोलीग और उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो ड्राफ्ट है वो फिलहाल सीक्रेट है, वो फिलहाल हमें नहीं मिल सकता, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ किसी के साथ, खुफिया खुफिया है। बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि बड़ी काम की बातें जायद साहब से और दूसरे सारे पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट की तरफ से हमें आई। अब हम फ्लोर खोलते हैं, हमारे पास कुछ टाइम है अभी इस वेबिनार में, कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी आए हुए हैं और कुछ यकीनन फेसबुक की तरफ से भी आए होंगे। फेसबुक के क्वेश्चन जो हैं वो मेरी कोलीग जो है वो फिजा महर वो उनको देख रही है, कलेक्ट कर रही है, मैं उनसे बाद में रिक्वेस्ट करूँगा। मैं सबसे पहले तो एक हैंड रेस था यहाँ पे शकूर साहब का, अब्दुल शकूर साहब मैं आपको ले रहा हूँ इस वक्त पैनल पे, आप बोल सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकूर साहब, हम आपको सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट वांटेड टू से के हम यूजुअली कहते हैं कि हम जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट एंजॉय करते हैं और फिर उसी रियासत से हम तवक्कु करते हैं कि वो हमें मतलब इस तरह के इदारे बना के देंगे। इट्स आयरॉनिक आई थिंक।
और प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा का हमारा गैस सेल पॉइंट, तो दो चीजें इसमें हैं। एक जो कमिश्नर आरटीआई है बहुत पावरफुल होता है पोजीशन में, उसको जो फेवर्ड बंदा होता है इनका, कोई सहाफियों वगैरह उठा के लगा लेते हैं वहां पे आरटीआई में। और नीचे भी जब आप आ जाते हैं किसी इदारे में आरटीआई का, जो आप ऑफिस खोलते हैं तो उसमें एक सुकम ये है, कम अज कम पख्तूनख्वा में ऐसा है कि उसमें उसी इदारे के बंदे को बिठा देते हैं। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, थैंक यू। शुक्र साहब, ये जो आपने मिसाल दी खैबर पख्तूनख्वा की, इस पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर दें कि कौन बंदा है जिसको वहां पे उसी इदारे का था और उसको बिठा दिया गया, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को कनेक्ट कर सके। I think you know him, मैं मुझे नहीं पता, मैं just it's an observation कि ज़ाहिर है जो contemporary government होता, जो हुकूमत होती है वो चाहते वो लोग वही यही है कि वो इस तरह का बंदा बिठा दे जो उनको सूट करता है या उनको ज्यादा तंग ना किया जाए इस दौरान, क्योंकि आपसे तो हम जर्नलिस्ट वाली बात की तो नहीं कर रहे ना, आपसे तो हम रिसर्चर वाली तो कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उस्ताद तो थोड़े थोड़े बन गए ना इस इन द प्रोसेस, हम भी थोड़े थोड़े हो गए जर्नलिस्ट हो गए। ऐसा आपने शुक्र साहब की बात सुनी, उस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? अमित साहब मैं अर्ज करूं कुछ? आमिर साहब जी, जी लहरी साहब, वो कुछ जो एंट्रीज मैंने किया था, कुछ नसरुल्लाह ज़ेरे साहब यहाँ पर मौजूद है हमारे, अनफॉर्चुनेटली मैं हमें बड़ी नाउमीदी हुई उनकी गवर्नमेंट से, लास्ट गवर्नमेंट उनकी गई है तो ये ला उनके टाइम से ही पेंडिंग में, इन्होंने इस पर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। इसके साथ साथ जो मच अवेटेड ला थी, जो अर्ली चाइल्ड फोर्स मैरिज, इनके ही पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने इसकी असम्बली में अगेंस्ट गए। ये हमारे सबसे बड़ा अलमिया होता है कि जब हम असम्बली में नहीं होते हैं, जब हम माइनॉरिटी में होते हैं या हम बाहर होते हैं असम्बली से, तो हम बड़े दावे कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम असम्बली में पहुंचते हैं तो फिर हमें सपोर्ट नहीं होती है। तो इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो इस बिल को पास करवाते और जो बिल जो अपनी रियल क्या में था वो नहीं कर सके। और इसके साथ साथ जो अर्ली चाइल्ड फोर्स मैरिज का बिल था, पिछले 10 सालों से पेंडिंग में पड़ा है, इनकी असेंबली में लाए थे और इन्हीं के लोगों ने जो है इस पर जो है क्या किया था, ऑब्जेक्शन लगा कर वापस कर लिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्या अलार्मिंग सिचुएशन है। जो भी पार्टी होते हैं पहले तो हमारे साथ चीजों पर एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको जो पावर मिलता है, जब वो असेंबली में पहुंच जाते हैं, फिर हमें भूल जाते हैं और इसी तरह से चीजें चले जाते हैं। तो ये हमारे साथ बलूचिस्तान में होता रहा, ये पॉलिटिकल विल हमारे नहीं है। अगर हम मैं यहाँ पर एक ऐसा बिल लाऊं जिसमें जो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इसमें बेनिफिट्स मिले, इनकी सैलरीज हाई जाए, अभी भी देखिए बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस से सैलरीज उनके हाई है, और जो है कंस्ट्रक्शन का जो कोई बिल आता है तो रातों रात वो पास होता है, लेकिन जब इस किस्म के जो अवाम का बेनिफिट का बिल होता है, ये लोग फिर इस पर जो है सत्तू का किस हो जाते हैं इस पर, ये हमें इनसे थोड़ा गिला रहता है। शुक्रिया लारी साहब। नसरुल्लाह साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, अब बोलिए। नसरुल्लाह साहब हम आपको नहीं सुन रहे, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। नसरुल्लाह साहब हेलो, अब आ रही है नसरुल्लाह साहब, बोलिए प्लीज। अच्छा, ऐसा है कि मेरे दोस्त ने बहराम लेडी साहब का
उन्होंने बात की, ऐसा था कि मेरे लिए चाइल्ड मैरिज जो बिल था उसमें उस वक्त हम अपोजिशन में थे और यकीनन जो पार्टी हुकूमत में थी वो नहीं चाह रहे थे कि ये बिल वहां से मंजूर हो। हमारी पार्टी का जो था और राय यही था कि हम इस बिल के हक में थे। और दूसरी बात ये है कि जो बिल अभी जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं आरटीआई, इस हवाले से हमारे उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, एडवाइजर थे सरदार रजा बड़ेज साहब, उनके दौर में ये हमने कोशिश की बिल को ड्राफ्ट किया जाए। और फिर दरमियान में चूंकि हालात इस तरह पैदा हो गए कि हमारी हुकूमत ही ख़त्म कर दी, और ये आपको पता है कि हुकूमत किसने ख़त्म कराई, किस बुनियाद पे हुई एक मुंतखब हुकूमत को। तो अब जो साहब ने कहा कि ये जब इक्तदार में होते हैं तो कोई और बात कहते हैं और जब अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह बात नहीं है। हमने इसी असम्बली से बहुत सारे कानून हमने पास कराए भी है जिसकी भरपूर मुखालिफत भी होती रही, लेकिन इसके बावजूद हमने वो बिल वो कानून हमने असम्बली से पास कराए हैं। शुक्रिया। हमारे पार्टिसिपेंट डॉक्टर एस लोसर मौजूद हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको ले रहा हूं। इसाक साहब आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। इसाक साहब अगर आप मौजूद हैं तो अनम्यूट कीजिए और अपनी बात कीजिए। हेलो जी इसाक साहब, हम आपको सुन सकते हैं, आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, हम सुन रहे हैं आपको। सारे दोस्तों ने बहुत तफसील के साथ जो है इस बिल पे रोशनी डाली। मेरा नाम डॉक्टर इसहाक बलोच है, मेरा तारुक नेशनल पार्टी से है और मैं नेशनल पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तेहाद हूं। सब दोस्तों ने जो है तफसीलन जो है इस पे गुफ्तगू के बिल पे उसके पहलू पे उन्होंने रोशनी डाली और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बिल है खासकर हमारे बलूचिस्तान का उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं कि बिलखसूस उसमें कोई बाजों का टाइम पीरियड भी मेंशन नहीं किया गया है। और फिर यह है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रीजनिंग देना पड़ेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जैसे अगर कोई वहाँ पे सबसे अहम बात है अगर वो डिले करते हैं तो 200 रुपये पर डे जो है उसका जुर्माना है और मैक्सिमम जो जुर्माना होगा वो 25,000 रुपये होगा। तो अभी जो बेखसूस हमारे दोस्त जो है नसरुल्ला ज़ेरे हमारा दोस्त है, पश्चिम से उसका ताल्लुक है, मैं खुद भी कोशिश करूंगा, उसको कहूंगा कि जो बिल है अभी पेंडिंग है और कह रहे हैं कि वो कैबिनेट के सामने पेश होगा सुबह कैबिनेट के सामने, तो उसका जो मसौदा है वो मिले, हम उसको देख लें कि उसमें कौन सी कमजोरियाँ हैं और उसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि इसमें बहराम लेडी ने जैसे बात की, खासकर बहराम ने और कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है एड बलोचिस्तान उसके जरिए काफ़ी इस पे काम भी हुआ है, लाइबिंग भी हुआ है और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी हुई है और उनको मोटिवेट भी किया गया है। बिलखसूस पहले जो हमारे इंफॉर्मेशन के जो सेक्रेटरी थे आशिम साहब, उसका खुद भी ताल्लुक जो है लिटरेटरी बंदा है और काफ़ी किताबों का जो है मुसन्निफ भी है, उसने खुद भी जाती तौर पर दिलचस्पी ली थी और बकौल दोस्तों के बिल को उन्होंने जो जितनी भी तजावीज़ इन दोस्तों ने उनको दी थी वो उस सब उसमें जो है मेंशन किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें मजीद जो है लॉबिंग की ज़रूरत है और बिलखसूस क्योंकि हमारा दोस्त तो नसरुल्ला है, बल्कि वो एक सवाल भी पुट कर सकता है कि किस स्टेज पे है महकमे से, जो बिल का मसौदा है वो किस स्टेज पे है और जो बिल का मसौदा है उसकी कापी जो है
वो उसको दिया जाए वैसे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर। देखिए अब जो आईन में है कि आपको जो है आर्टिकल 19 ए है कि आपको कोई भी मालूमात है कि जो सिर्फ जो है इंतहाई जो है असास नवियत के ना हो, और असास नवियत की भी उन्होंने उसको मेंशन किया गया कि कौन कौन से हैं। तो ये जो हमारा बिल है ये मुबहम है। अब फर्ज करो किसी भी बात पे वो आपको नहीं दिया जा सकता है कि जनाब ये असास नवियत का है या जो है ये कन्फिडेंटल है। तो पहली बात यह है कि जब कोई भी बिल बनता है वो बहुत साफ शफाफ तरीके से हो, उसमें चीजों को मेंशन किया जाए कि जिसका ताल्लुक पब्लिक से है, जिसका ताल्लुक अवाम से है, उसको देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनको नहीं दिया जाता। जैसे हमारे शाह साहब ने बात की, जो आम सी मालूमात है कि आपके हॉस्पिटल में अब तक कितने ऑपरेशन हुए हैं, उसको भी वो नहीं देते हैं। तो वैसे एक शहरी के किसी का हक है। अभी जैसे कल के परसों के अखबार में आया कि उन्होंने 15 साल जो है, तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने 15 साल उसमें तौसी की है, किन शराइत पे की है, और जो मुआहदा है उसके खद व ख्वाल क्या है, उस मुआहदे में बलूचिस्तान के हकूक का कितने जो है ख्याल किया गया है, तो इन चीजों को जो है वो देखने की जरूरत है। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि खाम खा का एक जो है खौफ जो है सरकारी हलकों में और बिलखसूस महकमों में मौजूद है कि ये बिल जो है पास ना हो, एक्ट पास ना हो, और ताकि जो है मालूमात की जो रसाई है लोगों तक मुमकिन ना हो, और जब मालूमात की रसाई मुमकिन होगा तो महकमे जो है लोगों के सामने जवाबदेह होंगे, और अगर कहीं पे कोई उसमें इसलाह की जरूरत है वो भी सामने आएगा, कहीं उनकी कमजोरी है लोग उस पर बहस मुबहसा कर सकते हैं, और कहीं पे अगर शफाफियत नहीं है शफाफियत लाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है एक बुनियादी हक है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप दूसरों को छेड़े, हम यहाँ पे अभी इस माहौल में एक गैर सेंसरशिप है पूरे मीडिया पे, यानी मीडिया जो है इस वक्त खतरन में है, और बहुत सारे इदारे हैं वो उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि वे जितने भी हमारे रोशन ख्याल लोग हैं, जो अच्छे शहरी हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो राइट टू इंफॉर्मेशन पे यकीन रखते हैं, उनको ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमें अपनी आवाज़ को ज़्यादा मुअसर तरीके से उन एहवानों तक पहुँचाना है कि ये आपको करना है, हर लिहाज से आपको करना है। और अभी बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे रसूलुल्लाह साहब ने कहा कि जो बिल था अर्ली चाइल्ड की बात की, अर्ली चाइल्ड के बिल में जो कमेटी थी, कमेटी में जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने उसकी मुखालफत की, और बिलखसूस एज के हवाले से और बहुत सारे मामला थे। लेकिन हमारी जमायत इस बिल की हिमायत की, और उसकी जितने भी मसौदा था उसको मंजूर कराने के लिए 2-3 दफा कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। फिर वहां पे उन्होंने रखा जनाब इसको जो है वहां पे जो है इस्लामिक काउंसिल पे भेजेंगे, इस्लामिक काउंसिल पे भेजेंगे उसको, ताकि उसके देखे कि उसमें इस्लाम के हवाले से कौन सी कमजोरियां हैं, उसको मजीद कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे को जितना मुअसर तरीके से वो कानून साजी करेगा इतना ही जो है वो उनका से होगा, इतना ही वो गुड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे, इतना ही लोगों के लिए भी उससे मुस्तफीद होगे, लोगों का फायदा होगा। जी मैंने अपनी बात कर ली, अगर कोई बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसास साहब, आपकी तरफ से फीडबैक हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहा है, और हमें जो है वो नई नई राहें तलाश करने में मदद मिली है हमेशा से, और उम्मीद करते हैं कि जब हम अगले कुछ दिनों में एक बाकायदा एडवोकेसी कंपेन का आगाज करेंगे तो आपकी शफकत और आपकी कुश्ती सिकड़ी के साथ वैसे ही जो है वो जारी रहेगा। शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैं पार्टिसिपेंट में हमारे साथ हैं अमरीन कमल साहब। अमरीन मैं आपको ले रहा हूँ, माइक आपका ऑन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद पूछते हैं शाह साहब से। शाह साहब मौजूद है ना हमारे साथ अभी? हाँ जी
जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, यू कैन टॉक नाउ। तो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि शायद जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है बलूचिस्तान में आके फाइल करने का। मीन आपकी आवाज बंद हो गई थी, आप अपना क्वेश्चन जरा दोबारा से शुरू कीजिए, आपने कुछ नहीं पूछा। जी सर, सवाल मेरा शाह साहब से, जो उन्होंने आरटीआई का अपना एक्सपीरियंस। I don't know ये बार बार क्यों on mute हो जाता है। अच्छा तो सर, शाह साहब ने उसके ऊपर कोई स्टोरी फाइल की या ये किसी न्यूज़पेपर में उनकी ये स्टोरी पब्लिश हुई? मैं इंटरेस्टेड हूँ उसको पढ़ने में या जानने में उसके बारे में मज़ीद डिटेल। शाह साहब आप समझ पाए सवाल? ये सवाल पीसीज में आया, मैं ज्यादा नहीं उसको सुना। I mean I'm sorry if you can repeat your question again। शाह साहब आपने जिक्र किया था जो आपने आरटीआई फाइल की ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स को पूरे बलोचिस्तान में, तो आपने कहा था सिर्फ एक जगह से उसका जवाब आया और बाकी जगहों से कोई रिस्पांस नहीं आया था। तो हमने ही ऐसी ही एक एक्सरसाइज यहाँ पर पंजाब और सिंध में भी की थी और कुछ जगहों से जवाब आया था, कुछ से नहीं आया था। तो उसमें बड़ी अच्छी एक सीरीज ऑफ ना न्यूज स्टोरीज चली थी कि कितने परसेंट जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट ने रिस्पांस किया, कितने ने नहीं किया। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने भी इस तरह का कोई न्यूज स्टोरी फाइल की या ये आपकी जो स्टडी थी कहीं पब्लिश हुई है? ये पब्लिश तो नहीं, बल्कि ये थोड़े बहुत टिकर जो है वो ऑन एयर हुए थे डॉन न्यूज पे उस वक्त, लेकिन स्टोरी पब्लिश नहीं हुई थी। सर क्या आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा डेवलप करके होना चाहिए क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी? देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल इसको होना चाहिए था। एक तो मैं थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है वो वैसे ही बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा इग्नोर करता है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई बड़ी बर्बादी न हो, दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया न हो, तो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया जो है बलूचिस्तान को ज्यादा फोकस नहीं करता है। हम अपने चैनल में भी अगर कोई न्यूज चलाते हैं तो उसके लिए हमें 10 टेलीफोन कॉल्स करने पड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो ये वैसे स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, लेकिन जहां तक आपका सवाल है दिस इज वेरी वैलिड। अब देखिए 33 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थे, इवन यहाँ क्वेटा का भी मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे जो जवाब मिला वो खोलू से मिला। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकती है कि हमारे लोग ये राइट टू इंफॉर्मेशन को कितना वो सीरियस ले रहे हैं। एक तो बात यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, एक तो वो चाहते हैं कि कोई चीज छोटी सी भी चीज हो वो आपसे कभी शेयर नहीं करते हैं। मैं गुज़श्ता 20 साल से यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने अगर किसी से खबर लेना भी है, किसी डिपार्टमेंट से खबर निकालना भी है, वो चाहे अबाउट करप्शन है, जूनियर को सीनियर की जगह पोस्ट करना है, रिक्रूटमेंट है, और जो इश्यूज है डिपार्टमेंट्स के अंदर या पब्लिक कोई स्पेंडिंग्स है, तो उसमें मुझे क्लर्क जो है चौथे लेवल के जो एहलकार है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑफिसर से आप बात करते हैं वो कहते हैं कि जी ये नहीं, हमें आपसे बात करने की कोई इजाजत नहीं है। अब ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो एक सर्टिफाइड जर्नलिस्ट से बात तो नहीं करते हैं, लेकिन अपना ट्विटर अकाउंट भी ऑपरेट करते हैं, सोशल मीडिया भी ऑपरेट करते हैं, फेसबुक जो अकाउंट है वो भी ऑपरेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, कोई पैरामीटर्स नहीं है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, जो आज़ादी इजहार है इसका बराह रास्त ताल्लुक जमहूरियत से है, ह्यूमन राइट से है, बहुत से इश्यूज जो है यानी खासकर एहतसाब से उसका ताल्लुक है। मैं थोड़ा सा बता दूं, 18वीं तरमीम में सूबों को जो इख्तियार मिला, आप सेट असाइड ये जो आरटीआई लॉ है या इंफॉर्मेशन है, अब तालीम में निसाब जो है इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बनाया गया, लेकिन बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे 5-6 सालों में बलूचिस्तान में जो करिकुलम है एक फुल स्टॉप या कॉमा तक तब्दील नहीं हो सका। देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बसद एहतराम उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन लेजिस्लेशन उनका ज्यादा फोकस नहीं है। उनके लड़ाई झगड़े जो है बलूचिस्तान असम्बली में
मैंने जहां तक ऑब्जर्व किए हैं, 5-6 गवर्नमेंट्स या 5-6 असेंबलीज, झगड़ा जो होता है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस नाली को मैंने बनाना है, आपने बनाना है, इस हलके में इतने फंड्स गए, उस हलके में इतने अरब गए, मेरे पास मेरे हलके को कुछ नहीं मिला, यही लड़ाई झगड़ा होता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। 1927 में अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट बनाया है जो फॉरेस्ट एक्ट है, उसके तहत काजी फायजी साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज है, ये उनका जजमेंट था, मैंने उसको सारा पढ़ा। 1927 का एक्ट है, एक दरख्त काटने पर 50 रुपए जुर्माना, वो पता नहीं अभी तक मेरे ख्याल में तब्दील नहीं हो सका है, या शायद हाल ही में इन्होंने कोई 5,000 कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे जो लॉ मेकर्स है वो कानून साजी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, हालांकि कानून साजी का फायदा आम आदमी को होता है, अवाम को होता है, इदारों को होता है, सोसाइटी को होता है, स्टेट के इदारों को होता है, ये सबका कलेक्टिव एक फायदा होता है। लेकिन चूंकि हम टेम्परेरी बेसिस पे अपने टेम्परेरी इंटरेस्ट देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं, उसके लिए हमारे लॉ मेकर जो है अक्सर असेंबली के अंदर भी लड़ते रहते हैं, और मैं अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, मीडिया जो है, अब मैं सिर्फ हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि PSDP की खबर को हेडलाइन लगा दे, बजाय ये कि किसी दरख्त काटने के 1927 एक्ट है उसके तहत 50 रुपए थे। हम मीडिया वाले जो है हम भी लोगों को एजुकेट नहीं करते हैं, उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज पर, लॉ मेकर्स पर या पॉलिसी मेकर्स पर कोई माउंटिंग प्रेशर नहीं होता है, यही वजह है कि आए रोज वो नाली और ट्यूबवेल और इन चीजों पर लड़ते रहते हैं, लेकिन कानून साजी पर फोकस नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। फिजा है हमारे साथ, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो शॉर्ट कट कर लें, हमारे पास फेसबुक से अगर कोई क्वेश्चन आए हैं, हमारे पास आखिरी 5 मिनट हैं। फिजा अगर आप जल्दी से कोई शॉर्ट आउट करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो हम पैनलिस्ट को के सामने रख सकें तो। मैं बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सबको सबसे पहले, और मैं इस वक्त जितने भी क्वेश्चंस हैं एक तो मैं क्लब करके इकट्ठे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने ऑलमोस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते जुलते पूछे हैं। सो बेसिकली इट इज़ ओपन टू ऑल द पैनलिस्ट। इस पे दो कंपोनेंट्स हैं कि सबसे पहले कि जब इतनी सारी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं तो सारे प्रोविंसेस में काम हुआ है, सिर्फ बलूचिस्तान में काम क्यों नहीं हुआ RTI के ऊपर? सेकेंड, RTI लॉ के ऊपर एक्चुअली मेन फॉल्ट किसका है, जब आपकी फेडरल पे भी वही गवर्नमेंट है जो बलूचिस्तान में भी कोलेशन में साथ काम कर रही है? हम पिछली गवर्नमेंट्स को भी ले लेते हैं और करंट को भी ले लेते हैं, KP में भी वही है, फेडरल में भी वही है, बलूचिस्तान में कोलेशन में दे आर वर्किंग टुगेदर, तो फिर भी बाकी सब जगहों पे काम हो गया लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं हुआ। सो लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है और ये किसके एंड पे फॉल्ट है। नसरुल्लाह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नसरुल्लाह साहब आपका माइक ऑफ है। अभी आवाज हो गई? जी बिल्कुल हो गई। अच्छा, ऐसा है कि यकीनन दोस्तों ने सही कहा कि एज ए पार्लियामेंटेरियन इंशाल्लाह मैं इस हवाले से असेंबली के आने वाले इजलास में, हमने रिक्विजिट भी किया एक इजलास, और जो नॉर्मल इजलास होगा इसमें मैं इंशाल्लाह इनसे पूछूंगा हुकूमत से कि ये जो बिल आपके सामने पड़ा है RTI, ये कब तक असेंबली, कब तक कैबिनेट इसको इसकी मंजूरी देगी, और फिर कब ये असेंबली के फ्लोर पे आएगा? यकीनन इस हवाले से मैं क्वेश्चन भी करूंगा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर या उस पे भी हवाले से पूछूंगा ताकि ये जल्द अज्द आ जाए और फिर हम उसको स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर ले, फिर तारों ले इस बिल का स्टैंडिंग कमेटी में मुतालिया किया जा सके कि इस बिल में कितने उन्होंने रखे हैं, क्या ये एक अच्छा बिल है, क्या आवाम के लिए आसानी होगी इस बिल में, और क्या क्या डिपार्टमेंट क्या करी इस बिल हवाले से, क्या वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा कि जो भी बंदा है जिस डिपार्टमेंट में भी हो वो कम अज कम वो मालूमात उसको
और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको नेगेटिव में रखा गया है, जिसे इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती है, उनको भी हम शामिल करें, क्योंकि वो डिपार्टमेंट कभी सिक्योरिटी के नाम पर, पता नहीं किस नाम पर, वो पता नहीं क्या क्या गपले वहाँ करते हैं, करप्शन होती है, फंडिंग होती है, करोड़ों अरबों रुपए की बातें होती है, जो आवाम से बिल्कुल उनकी आंखों से उजल हो जाए, आवाम को पता नहीं होता कि हुआ कि इसमें है, क्या हुआ है। तो यकीनन इस हवाले से बिल काम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि इस स्टैंडिंग कमेटी में खसूसी तौर पर मैं खुद भी अपना नाम इसमें शामिल कर दूं, ताकि वहां जा करके फिर आपके दोस्तों से इस हवाले से मजीद अब मालूमात हासिल करके उसमें मजीद अच्छाई पैदा करें। थैंक यू वेरी मच। सर, इसके साथ एक लिंक करता हुआ क्वेश्चन हमें यहीं पे आया है कि हर दफा बात की जाती है कि हम कमेटी में इसको उठाएंगे, पार्लियामेंट के सेशंस में भी इसके ऊपर बातचीत होती है, और लास्ट टाइम 2019 में पूरा पार्लियामेंट का सेशन सिर्फ आरटीआई के लिए रखा गया था, तो फिर भी सिर्फ सेशन हो जाता है, बात हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, कोई स्टेप नहीं उठाया जाता, ऐसा क्यों है? अब देखें, इसका ये तो अभी तक पार्लियामेंट के या सूबाई असेंबली के सामने नहीं आया है, और ये अभी तक डिपार्टमेंट के पास है, चूंकि लॉ डिपार्टमेंट ने बिल की वेटेज कर ली है और उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भेजा है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जाकर के कैबिनेट के सामने रखा है। अब जब कैबिनेट पास करके जो प्रैक्टिस है वो पास करके तब वो असेंबली के फ्लोर पे वो बिल आएगा, जब असेंबली के फ्लोर पर वो पूरे हाउस का वो प्रॉपर्टी बन जाएगा बिल, तो होता यह है कि फिर स्पीकर इसे स्टैंडिंग कमेटी मुतलिका जो लॉ एंड पार्लियामानी अफेयर या लॉ एंड जस्टिस जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसके हवाले किया जाता है, फिर जा करके वो कमेटी इस बिल को जो भी वो कमेटी कर सकती है, माहिरीन को बुला सकती है, लॉ जो वकील साहिबान है उनको, आपके इदारे को भी हम बुला सकते हैं कि आप भी हमें मशवरा दे दे, तब जा करके ये बिल दोबारा असेंबली के फ्लोर पर आकर ये एक बाकायदा एक एक्ट एक कानून बन जाए। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, हमें पहले ही फीडबैक आना शुरू हो गया है कुछ दोस्तों से क्वेटा से कि वहां पे 4 बजे लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, तो हमें जो है वो 4 बजे से पहले पहले बंद करना है, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बड़ी मेहरबानी। मेरा ख्याल है कि एंड में मैं सबका आप सब दोस्तों का फॉर्मली बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए हमारी दावत पे और आपने अपना टाइम दिया, और साथ में जो हमारे अटेंडेंस थे यहाँ पे जूम पे भी और जो फेसबुक पे भी जिन्होंने अटेंड किया पार्टिसिपेट किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सफर जो है वो जारी रहेगा और हम बहुत जल्द अपनी मंजिल जो कि नया आरटीआई लॉ है बलूचिस्तान में उस तक पहुंच पाएंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको यही कह सकता हूं कि अब आप अपने अपने घरों में जाकर चाय पी लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्लाह शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।